नमस्कार, मैं लवलीन कौर, गुरु हरगोबिंद पब्लिक स्कूल नडाला, जिला कपूरथला की छात्रा, आज आपके सामने कोरोना वायरस की स्थिति में अपने देशवासियों के हौसले को बुलंद रखने के लिए एक कविता पेश करने जा रही हूँ। ये जिंदगी का एक ही असूल है, ये जिंदगी का एक ही असूल है, जो आया है वो जरूर जाएगा। हर शरीर में बस अंतर तो यही है, कोई खुद को बदनाम और कोई इस विश्व का कल्याण करके जाएगा। यहाँ तो हर दौर पे मिलती है मुसीबतें, यहाँ तो वो हर दौर पे मिलती है मुसीबतें, कभी अकेले और कभी मिलकर लड़ना पड़ता है। अरे भाई, ये तो वो टोपी है तकदीर की, अगर जीता तो स्वर्ग और अगर हारा तो तुझे नर्क में भी गिरना पड़ता है। बात हार जीत की नहीं, बात तो ये तेरे हौसले की, तेरी इच्छा की, जिसे अगर तूने रखा तो क्या, तो उस खुदा को भी पालेगा जो केवल तुझे ही नहीं सबको खुशियां देता है, जो तेरे चेहरे का रंग नहीं तेरे दिल की मिठास देखता है, जो तेरी जात पात नहीं केवल तेरा ये हौसला देखता है। इस महामारी को कोई कहर मत समझना, ये तो बस एक परीक्षा है, अगर पास तो अच्छा भविष्य, और अगर फेल तो तेरा परिवार भी जिंदगी भर तुझे याद करेगा। तो रख हौसला और कर ले अपने परिवार को सुरक्षित, क्योंकि उन सबका हेड है तू। रो मत, रख आस और जल्दी से छोड़कर आ जाओ उस अस्पताल के बेड को तू। बात पास फेल की नहीं, बात तो है तेरी सोच की। याद कर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनमें मरते दम तक आस थी, इसी का फल है आज 100 भगत सिंह बॉर्डर पर खड़ी हैं। सोच, अगर तुम में भी वैसा हौसला होगा तो ये बीमारी क्या, तू तो अपनी अंदर की कमियों को भी हरा देगा, क्योंकि तू कोई आम आदमी नहीं, तू वो है जिस पे खुदा को भी आस है। हमें ये आस, ये आशा अपने में और दूसरों में हमेशा बनाई रखनी है। धन्यवाद।